एक छोटे से गांव के किसान रामू नामक आदमी का दिल बहुत ही दिलचस्प था। रामू ने गांव के पुराने मंदिर में अपना घर बनाया था, जिसे वह अपनी किसानी के कामों के बाद रात्रि में आराम से जीता था। गांव वाले कहते थे कि रात्रि के समय मंदिर में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन रामू ने उन सभी कथाओं को नजरअंदाज किया। एक रात जब चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी सुनसानी छाई हुई थी, वह अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अचानक एक धारा अजीब सी आवाज से सुनाई दी। कहां हो तुम? रामू का दिल दहल गया और उसने आवाज की ओर बढ़ते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब मिला, तुम्हारा साया हूं रामू। रामू की आंखें बड़ी हैरानी से खुल गईं और उसने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था। धारा ने फिर से कहा, तुम्हारा साया हूं रामू और मैंने तुम्हारे साथ रहने का इरादा किया है। रामू ने घबराहट में आवाज को सुना, लेकिन उसका चेहरा उस अजीब से आवाज की दिशा में था। धारा ने जारी रखते हुए कहा, जब तुम देख नहीं सकते तो तुम्हें सुनने में मदद होगी, मैं तुम्हें रात्रि के अंधेरे में मार्गदर्शन करूंगा। रामू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने स्वयं से कहा, ठीक है, मैं मानता हूं। धारा की आवाज ने रामू को गांव के बाहर ले जाने का कहा, जहां अंधेरा और भी गहरा हो गया था। रामू ने महसूस किया कि कुछ विशेष हो रहा है और वह एक अद्भुत स्थान पर पहुंच गया। धारा ने बोला, यहां एक रहस्यमय सुरंग है जो तुम्हें एक नए दुनिया में ले जाएगी। रामू ने धारा की आवाज का पालन करते हुए सुरंग में कदम रखा और वहां से वह अद्भुत दृश्यों का सामना करता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, धारा की आवाज रुक जाती है। रामू ने घबराहट से पूछा, क्या हुआ? धारा की जगह से एक दूसरी आवाज आती है, तुम अब हमारे साथ हो। रामू की सांसें थम जाती हैं जब वह बड़े भयंकर दर्शन का सामना करता है। वहां उसके सामने एक पूरी तस्वीर होती है जो उसका साया बनकर बैठा हुआ था और एक और रामू उसके पीछे खड़ा था। रामू का दिल डूबता जा रहा था जब उसने समझा कि वह खुद ही एक अजीब सी दुनिया में फंस गया है, जिसमें उसका हर कदम एक नया रहस्य उजागर हो रहा था। अंधेरे के साए में की इस कहानी ने रात्रि के हर मिनट में एक नया सवाल पैदा किया और रामू को एक अजीब सी दुनिया में